बेशक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में दलितों को राजनीतिक पहचान दी, लेकिन दलितों को सत्ता के मुकाम तक पहुंचाने का काम किया बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने। 1981 में कांशीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 की स्थापना की। 1982 में उन्होंने प्रसिद्ध किताब द चमचा एज लिखा। मौजूदा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई। कांशीराम एक पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता बन चुके थे। उनका प्रसिद्ध कथन है, अंबेडकर किताबें इकट्ठा करते थे लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ। उत्तर भारत की राजनीति में गैर ब्राह्मणवाद के विचार को कांशीराम ने ताकत दी। मनुवाद उन्हीं की शब्दावली थी। कांशीराम ने 1988 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की लोकप्रियता के चरम दौर में इलाहाबाद से उनके खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा। 1993 में सपा बसपा के बीच गठबंधन कांशीराम का विचार था, जिसने मंदिर आंदोलन के दौर में भी भाजपा को हराने का काम किया। अवसरवादिता को कांशीराम अपनी राजनीति का हिस्सा मानते थे। बाद में बसपा ने अपनी धुर विरोधी भाजपा के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में दो बार साझा सरकार बनाई। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कांशीराम को भारत का राष्ट्रपति बनाने की पेशकश भी की थी। कांशीराम ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, न कि राष्ट्रपति। अपनी बीमारी और मौत के कई साल पहले ही कांशीराम ने मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जीवन के अंतिम दौर में कांशीराम काफ़ी समय तक बीमार रहे। इस दौरान मायावती के हाथ बसपा की कमान रही। उनकी बीमारी के दौर में मायावती बसपा के अन्य नेताओं और कांशीराम के परिजनों को भी उनसे मिलने नहीं देती थी। इसकी वजह से अंतिम समय में कांशीराम के राजनीतिक विचारों के बारे में किसी को खास पता नहीं चल सका। 9 अक्टूबर 2006 को कांशीराम का देहांत हो गया। भारतीय राजनीति में अंबेडकर के बाद कांशीराम दलित समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे।